पागोड़ा थाने में महिला हेल्थ टैक्स का हुआ शुभारंभ। मुरादाबाद के पागोड़ा थाने में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन पागोड़ा के चेयरमैन खेमवती देवी द्वारा किया गया। आपको बता दें कि महिलाओं व बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत 17 अक्टूबर से की। इस अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक व उनकी शिकायतों के निस्तारण हेतु थाने में एक महिला हेल्प डेस्क का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आज शुक्रवार को थाना पागवाड़ा में भी महिला हेल्प डेस्क का आयोजन पागवाड़ा पुलिस द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन पागवाड़ा चेयरमैन खेमवती द्वारा किया गया। वहीं मिशन शक्ति के अंतर्गत चेयरमैन खेमवती देवी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी महिलाएं खुद को और अपने बच्चों को सशक्त बनाए, किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। वही थाना पागवाड़ा पुलिस द्वारा कहा गया कि सरकार द्वारा जारी किए गए महिला हेल्पलाइन नंबरों को महिलाएं अपने मोबाइल फोन पर सेव रखें और स्कूल जाते या बाजार में अगर कोई सौदा परेशान करता है तो तुरंत इसकी सूचना हेल्प डेस्क पर दें। संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन शक्ति अभियान की घोषणा की है। यह अभियान शरद नवरात्रि मतलब अब से स्टार्ट होके और जो अगली नवरात्रि आएंगी अप्रैल 2021 में तब तक चलेगा। इस अभियान के तहत 1535 पुलिस थानों में एक अलग रूम बनाया गया है शिकायत दर्ज कराने के लिए। मतलब जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जिनकी समस्याएं हैं वो थाने आएंगी और जो हमारे यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी हैं वो उनकी समस्याएं लिखेंगी और उसका तुरंत निदान होगा, निस्तारण उसके साथ के साथ ही होगा। इस अभियान के तहत महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई सहोदा मतलब कोई लड़का महिलाओं के साथ बदसलूकी करता है तो वो अपनी सूचना कुछ हेल्पलाइन नंबर है उन पर दे सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बता रही हूँ, 1090 वुमेन पावर लाइन हेल्पलाइन नंबर है, 1090 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, 1076 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है, 1098 चाइल्ड लाइन नंबर है, 108 एम्बुलेंस सेवा और 102 स्वास्थ्य सेवा। ये सभी टोल फ्री नंबर है, आप इन पर फ़ोन करोगे तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। आप इन पर फ़ोन करोगे ये तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे और पुलिस तुरंत ही पहुँचेगी वहाँ पे जहाँ की मतलब घटना होगी। इसके साथ ही इस अभियान के दौरान महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, पोस्को एक्ट एवं महिला अपराध संबंधी कानूनों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये जो 1090 जो शिकायत है, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आती है कि हमारी पहचान जो है वो सीमित रहे, वो मतलब बंद रहे, वो किसी के साथ ओपन ना हो। ये जो 1090 वाली सूचना है इसमें आपको बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, आपकी जो पहचान है वो आइडेंटिफाई नहीं की जाएगी, केवल आपकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। इसमें बैक कॉल में आपको दो बार फ़ोन करके भी पूछा जाएगा कि आपकी समस्या का निस्तारण हुआ है नहीं हुआ है। इसी संबंधित में बहुत सारी चाइल्ड केयर नंबर है, वो आप बिल्कुल डिस्क्राइब करके, हम चाहते हैं कि आप अपने गाँव में अपने चौपाल पर जाके इस तरह का अपनी बेटियों को अपनी बहुओं को समझाएँ ताकि किसी का शोषण ना होने पाए।